नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कई बार मुसीबतें सीढ़ी से चढ़कर घर के अंदर आ जाती हैं और पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। जम्मू कश्मीर में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। आज वहां से हमारे पास एक वीडियो आया है और इस वीडियो में एक ऐसी सीढ़ी दिखाई दे रही है जिसे फोल्ड करके बैग में रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इस सीढ़ी की ऊंचाई 20 फीट तक पहुंच जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इस सीढ़ी के जरिए सुरक्षा बलों के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो रमजान के पवित्र महीने में हमारे देश के सैनिकों को मौत का गिफ्ट देना चाहते हैं। और आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने आतंकवादियों को रमजान के महीने में सीज फायर की पूरी सुविधा दी हुई है, लेकिन उनकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 5 हमले किए हैं, लेकिन भारतीय सेना सीज फायर के लिए मजबूर है। ये हालात सैनिकों का मनोबल गिराते हैं और उन्हें बेचैन करते हैं। हम इन परिस्थितियों का आज एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही आज हमारे पास पाकिस्तान के एक आतंकवादी का बहुत ही विस्फोटक कबूलनामा आया है। इस आतंकवादी ने कैमरे के सामने जो बातें कही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए काफी है। इसे भी आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। और कूटनीति की दुनिया में रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों का मतलब निकल जाता है तो वो दूसरे देशों से दुआ सलाम करना बंद कर देते हैं और कई बार तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आज से 15 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो 12 जून को सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया बड़े फिल्मी अंदाज में फ्लर्ट भी कर रहे थे और रिश्ते की लाज रखने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों के अड्डे को भी नष्ट कर दिया। लेकिन अब किम और ट्रंप का कूटनीतिक ब्रेकअप हो चुका है और सिंगापुर वाली मुलाकात भी रद्द हो गई है। आज आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और दुनिया की कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इसके बाद आज हम आपके वर्किंग आवर्स यानी काम के घंटों और छुट्टियों का एक दिलचस्प डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत में लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनके पास बहुत काम है और उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, और कुछ नए आंकड़े इस बात की पुष्टि भी करते हैं। ये सुनकर मेहनत करने वाले लोग खुश हो गए होंगे। हालांकि इससे जुड़ा एक विरोधाभास ये भी है कि भारत में काम के घंटों के दौरान ही चाय पानी, आपस में गपशप करने और ऑफिस में घूमने और टहलने में ही कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं, और मौज मस्ती के समय को भी वर्किंग आवर्स में गिन लिया जाता है, आपकी ड्यूटी में शामिल कर लिया जाता है। आज हमने काम के दबाव और छुट्टियों की कमी से जुड़ा हुआ एक स्पेशल डीएनए टेस्ट तैयार किया है, लेकिन ये विश्लेषण काम चोर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखिए नॉनस्टॉप न्यूज में। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। शेख हसीना आज पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आई थी। 11 लाख रोहिंग्या आज के बांग्लादेश मटी आश्रय दिए, मानविक कारण आश्रय दिए। कोलकाता में पीएम मोदी और शेख हसीना ने 25 करोड़ की लागत से बने बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने असुविधा के लिए छात्रों से माफी मांगी। आप सबको जो भी असुविधा हुई है चांसलर के नाते, ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का। प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर से शांति निकेतन पहुंचने पर एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी। पीएम मोदी की अगवानी के लिए हेलीपैड के पास में कीचड़ देखकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से इशारा करते हुए कहा कि रास्ता बदलकर कुछ आगे से आइए, क्योंकि आगे रास्ता खराब है। इसके बाद झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने झारखंड को 27,212 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। यहां पीएम ने एक रैली को भी संबोधित किया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान शांति और दोस्ती चाहता है तो पहले घुसपैठ बंद करे। पहलगाम पहुंचे जनरल रावत ने कहा कि सेना हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान शुरुआत करेगा तो हमें जवाब देना होगा। अगर वहां से सीज फायर वायलेशन होगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में अगर अमन शांति चाहता है तो हम सबसे पहले
पहल उनकी ओर से चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी रमजान में सीमा पर गोलीबारी के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई। सीज फायर हुआ है तो उसका पाकिस्तान भी मुसबत जवाब देंगे, वो इन्फिल्ट्रेशन बंद कर देंगे, वो बॉर्डर्स पे जो गोलाबारी बंद करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत मुसीबत में हैं। आतंकियों ने आज भी सुरक्षा बलों के कैंप पर ग्रेनेड फेंके। आतंकियों ने कुलगाम के नीमहा में 34 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के बाद चर्चा में आए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मेजर गोगोई बुधवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक महिला के साथ होटल गए थे। महिला के साथ होटल में जाने से रोके जाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद होटल के मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मेजर गोगोई को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो उन्हें उचित सजा मिलेगी। अगर मेजर गोगोई ने कोई गलत कार्रवाई करी है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी, और सजा ऐसी दूंगा मैं कि वो एक उदाहरण बनकर रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अब घुसपैठ के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल केरन सेक्टर में घुसपैठ नाकाम होने पर आतंकवादी जो सामान छोड़कर भागे, उनमें एक ऐसी सीढ़ी भी है जिसे फोल्ड किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी इस सीढ़ी का इस्तेमाल छोटी पहाड़ियों पर तेजी से चढ़ने के लिए करते थे। सेना की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि इन सीढ़ियों को अगर पूरा फोल्ड कर दिया जाए तो एक बैग में भरकर भी लाया जा सकता है। इंटरनेट पर ऐसी सीढ़ियों की लंबाई 15 से 20 फुट तक मिलती है। कम वजन, मजबूती, ले जाने में आसान और फोल्डेबल होने के कारण इन सीढ़ियों का इस्तेमाल घुसपैठ के दौरान आसानी से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कैराना में 28 मई को होने वाले उपचुनाव में जमीयत उलेमा हिंद ने बीजेपी के विरोध में वोट करने की अपील की है। संगठन के कोषाध्यक्ष मौलाना हसीब सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी सरकार से पूरा देश और सियासी जमात परेशान है, इसीलिए इस उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान न किया जाए। जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ लोगों को चाहिए वो अपने वोट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कम वोट होने की वजह से भाजपा को फिर खड़े होने का मौका मिले। बीजेपी ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है। फतवा जारी करा है तो जिन्ना के जो भक्त हैं वो फतवा जारी करवा रहे हैं वोट लेने के लिए, तो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। कैराना से बीजेपी ने दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम हसन को कांग्रेस और बीएसपी भी समर्थन दे रही है। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट में कुमार स्वामी को 117 विधायकों के वोट मिले। विधानसभा में बीजेपी ने आखिरी वक्त में स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के रमेश कुमार को सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया। एक दिन पहले बीजेपी ने वरिष्ठ नेता एस सुरेश कुमार को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर की पोस्ट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। बहुमत परीक्षण से पहले सदन में हंगामा हुआ और बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। येदुरप्पा ने कहा कि अगर कुमार स्वामी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो वो 28 मई को राज्य भर में बंद का ऐलान करेंगे। सीबीएसई की 12वीं क्लास के इम्तिहान के नतीजे कल घोषित होंगे। इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च से 13 अप्रैल तक हुई थी। 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा 25 अप्रैल को हुई थी। रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर 12th बोर्ड रिजल्ट पर क्लिक करें। इस साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा में 28 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। 12वीं की परीक्षा देश भर में 4138 केंद्रों पर कराई गई थी। 10वीं के नतीजे भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। लगातार 12वें दिन तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज 36 पैसे बढ़े, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 78 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। डीजल में भी 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 12 दिनों में पेट्रोल 3.20 रुपए और डीजल 2.82 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। हम कुछ ना कुछ रास्ता जिसमें मध्यवर्गीय लोग सामान्य लोगों को तेल की इस बढ़ती हुई दाम ना चुभे,
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को हमने नजर रखा है। हालांकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़े में 15-20% तक बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर किचन तक दिखने लगा है। अगर हम 15-20% तक माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो हमारा व्यापार बंद होने की नौबत पर है, क्योंकि हमारे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग उधार के ऊपर काम करते हैं, भाड़ा हम लोगों को बाद में मिलता है। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से धान की खेती की लागत और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ सकते हैं। हिंदुओं को देश के 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस सिलसिले में 14 जून को एक बैठक बुलाई है। बैठक में आयोग इस बात पर चर्चा करेगा कि देश के 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। मिनाटी कमीशन ने एक सब कमेटी बनाई है और जो इस पे काम कर रही है, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है, और स्टेक होल्डर से बातचीत करके अगर जो वो उनकी रिपोर्ट या कोई सजेशन होगा देन उसके बाद हम लोग एग्जामिन करेंगे। यूपी की योगी सरकार जल्द ही मशहूर शहर इलाहाबाद का नाम बदलने जा रही है। संगम नगरी के नाम से मशहूर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की तैयारी हो चुकी है। सरकार की ओर से शासनादेश जारी होने के बाद आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद को फिर से प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि नाम बदलने की प्रक्रिया अगले साल होने वाले कुंभ मेले से पहले पूरी कर ली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात 12 जून को ही हो सकती है। कल ही व्हाइट हाउस ने ट्रंप के हवाले से जारी एक बयान में कहा था कि किम की बयानबाजी से अमेरिका की जनता नाराज है। ट्रंप के कल के एकतरफा फैसले के बाद दक्षिण कोरिया के लोगों ने एंटी ट्रंप रैली निकाली। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अमेरिकी दूतावास के सामने ट्रंप के विरोध में नारे लगाए गए और जल्द उत्तर कोरिया से बातचीत शुरू करने को कहा। किम जोंग उनकी तरफ से जारी बयान में भी ट्रंप से जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई गई है।